टीकमगढ़ जिले के खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार लापरवाही सामने आ रही थी और प्रसूताओं के द्वारा नर्सों पर हजारों रुपए लेने का आरोप लगाया गया था। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो प्रसव कराने आई महिलाओं को ना तो बिछाने ओढ़ने के लिए कपड़े मिलते हैं और ना ही चाय नाश्ता दिया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर भी रुपए लिए जा रहे थे। इस प्रकार के मामले की खबर होने के बाद गुरुवार को SDM सौरभ मिश्रा ने खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां पर कई लोगों ने नर्सों द्वारा रुपए लेने का आरोप भी लगाया। साथ ही SDM और खंड चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हितग्राहियों ने बताया कि यहां पर जन्म प्रमाण पत्र एवं डिलीवरी कराने के नाम पर नर्सों द्वारा रुपए लिए जाते हैं और रुपए ना देने पर उन्हें टीकमगढ़ रेफर करने की धमकी दी जाती है। जब SDM ने नर्सों को बुलाने की बात कही तो नाइट ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स घर जा चुकी थी, जिस पर SDM सौरभ मिश्रा ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ रावत को निर्देश दिए कि वह उक्त मामले को गंभीरता से ले और किसी भी प्रकार से हितग्राहियों को परेशानी नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर प्रसूति महिलाओं को परेशानी या उनके साथ किसी प्रकार से गलत व्यवहार किया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बताया कि नर्सों के द्वारा जो रुपए लिए गए हों तो उनको तत्काल वापस कराया जाए, साथ ही इस प्रकार के आगे शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बताया कि पिछले रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी कि गर्भवती या प्रसूति महिलाओं को सेवा शुल्क के नाम पर यदि परेशान किया जाता है या उन्हें नॉर्मल स्थिति होने पर भी जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है तो इस प्रकार के रिकॉर्ड की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। साथ ही समस्त प्रसूताओं एवं हितग्राहियों को बताया कि समस्त सेवाएं निःशुल्क हैं और किसी भी कर्मचारी को कोई हितग्राही रुपए नहीं देगा। यदि रुपयों की मांग की जाती है तो तत्काल फोन पर सूचित किया जाए। साथ ही समस्त सुविधाएं प्रसूताओं एवं अन्य रोगियों हितग्राहियों को निःशुल्क प्रदान की जाए। किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस प्रकार के मामले यदि दोबारा आते हैं तो उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। SDM के द्वारा दिए गए जांच के निर्देश के बाद आगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी या मामले को रफा दफा किया जाएगा, यह जांच के बाद ही कहा जा सकता है। पैसे कहीं किसी को नहीं लगेंगे, 800 रुपये लेना है सिर्फ, तो बाकी 800 रुपये किसने, 800 रुपये बाकी देने के सुबह हमारी छुट्टी हो जाएगी, बोल लेते हैं ठीक कम कर रखा है। अच्छा हाँ बोल लेते हैं। कहाँ है, कौन सी कौन है छुट्टी पे चली गई, कौन है? देखो किसी को कोई पैसे नहीं लगना है और डॉक्टर साहब आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई पैसे रेफर ना किया जाए, ठीक है? पैसे कोई ले और जिनकी अभी तक शिकायत है कल मिली है तो उनके सबसे पहले तो डॉक्टर साहब पैसे वापस करवाइए, मुझे फोटो वीडियो स्टेटमेंट भेजिए, ठीक है? दीपक आप मेरे को डॉक्टर साहब रुकेंगे आपको मिलकर ही करवाना और फिर उनकी विवाह की जाँच शुरू करें, ठीक है? कि ऐसा और पहले कभी हुआ है क्या, उनके पूरे डिलीवरी वाले रिकॉर्ड चेक करना कि क्या दिया था क्या देना था, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती रेफर कर दिया हो, रेंडमली एक आध किसी बच्चे के माँ बाप को बुलाना भी है ना कि क्यों भाई तुम्हें जबरदस्ती रेफर किया था या सही में कोई दिक्कत थी, है ना? ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इतना अच्छा काम मिला है अपन को, है ना? बिल्कुल नहीं लगेंगे पैसे और ना देना है किसी को। आप उनको बुला लीजिए, उनका पंचनामा लगेंगे, हम पूरी जांच करेंगे, है ना? जो चार लोगों की पेपर में न्यूज़ निकली है जब तक वो आ नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है? उनको बुलाइए, अपने सारे सूत्रों को लगाइए कि वो आए या उनके परिजन को ही आ जाए, ऐसा नहीं लिखित में देंगे, है ना? लिखित में देंगे, अगर उन्हें पैसे वापस नहीं किए गए होंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको। और किसी से भी शासकीय तंत्र है ये, नहीं लेना है, है ना? ये और फिर कोई दूसरा देखता है, कोई सक्षम आदमी है, उसने कुछ खुशी खुशी किसी को मिठाई खिला दी, अब वो लगता है दूसरे को कि हमें भी खिलानी पड़ेगी। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं उसमें जानबूझ के पैसे देते हैं। सर काफ़ी शिकायतें मिल रही थी नर्सों द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, आपने आज निरीक्षण किया है, सर क्या पाया गया? जी बिल्कुल, समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कल की कि यहाँ पर डिलीवरी में लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रसूताओं के जो परिवारजन आते हैं उनको दिक्कत है या पैसे के लेन देन की भी कुछ शिकायतें आईं और जितनी भी शिकायतें मिली जो समाचार पत्रों के माध्यम से 3-4 प्रकरण जो सामने आए हैं उन सभी शिकायतकर्ता या जो हितवद हैं उनको बुलाया गया है और डॉक्टर साहब यहाँ पर उनसे पूछेंगे, यदि पैसे लिए हैं तो तत्काल वापस करवाएंगे और जो संबंधित हमारे कर्मचारी हैं यदि स्टाफ नर्स हैं कुछ भी उनके समक्ष में मैंने बहुत अच्छे से आज समझाया है, चेतावनी भी दी है और उनकी विवाह की जाँच भी शुरू कर रहे हैं, उनके प्रकरण रेंडमली देखेंगे और
आम जनता से भी पूछेंगे यदि किन्हीं के बच्चे यहाँ पर जो पहले हुए हैं किसी को कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल निडर होकर शिकायत प्रस्तुत करेंगे। और अभी आज मैंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया, उसमें देखा कि स्टाफ की कमी तो है, एक ही मेडिकल ऑफिसर है हमारे पास और स्टाफ नर्स में तो हैं ठीक हैं, लेकिन जो ड्रेसर हैं या फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ नहीं हैं। तो CMHO साहब से बात करके यहाँ स्टाफ सुनिश्चित कराएंगे और रेगुलर मैं भी और BMO साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि वो यहाँ पर विजिट करते रहें और इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत ना आए इसको हम सुनिश्चित करेंगे। सर स्टाफ नर्स हैं जो उनकी पहले भी काफ़ी शिकायतें आती जाती रही हैं पैसों के मामले में, तो सर ऐसा आखिर क्यों चलता है? नहीं बिल्कुल ऐसा यदि है तो बहुत गंभीर मतलब वो है बात है और ऐसी शिकायत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल कार्रवाई की मैंने निर्देश दिए हैं BMO साहब को, CMHO साहब को भी बताऊंगा मैं आज। और यदि कोई भी हितग्राही आगे भविष्य में, मैंने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से बोला है, आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, ये शासकीय अस्पताल है और शासन का जो शासन की मंशा है कि प्रत्येक हितग्राही को, हर एक ज़रूरतमंद को स्वास्थ्य की सुविधाएं सर्वोच्च उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलें, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एक भी शिकायत ऐसी नहीं रहेगी जिस पर कार्रवाई ना हो और आगे से मैं खुद सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना जाए, किसी से कोई भी असुविधा का सामना किसी को ना। सर जन्म प्रमाण पत्र लेने आते हैं उस तरीके से 1000 रुपये मांगे जाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र या कोई बात है तो उसमें जो डिलीवरी के टाइम के रिकॉर्ड हैं, यदि जैसे आज भी मेरे सामने एक व्यक्ति आए, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, तो हमारे जो रिकॉर्ड हैं उसमें देख के और उनका जन्म प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा। और किसी विशेष परिस्थिति में तहसीलदार साहब भी बना सकते हैं जब अधिक समय हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति का जन्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, भारत देश के नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, तो इस चीज़ से कभी कोई वंचित नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने भी कोई आए तो मुझे पर्सनली बता सकते हैं।